और 30 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें तिकोड़ा मुकाबला होगा जी, और जो 60 जो मैंने डायरेक्ट फाइट जिसमें होगी दोनों बाई पोलर जिसमें इलेक्शन का हम कह सकते हैं वो होगा, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलने वाला है। इंडिपेंडेंट भी हैं, हो सकते हैं इसमें जो तिकोड़ा मुकाबला बनाए हुए हैं INLD के कैंडिडेट भी हैं इसमें, और दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट भी हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, इस समय हरियाणा में जो चुनाव है या चुनावी प्रक्रिया है उसने एक रफ्तार पकड़ ली है, क्योंकि अब तक नॉमिनेशन भरने, नामांकन भरने और नाम वापस लेने वाली जो प्रक्रिया है वो लगभग खत्म हो चुकी है, और इसके बाद अब प्रचार की प्रक्रिया शुरू हो रही है, और प्रचार के लिए स्टार प्रचारक हर पार्टी से हरियाणा में अपनी अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो प्रत्याशी हैं वो जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज हरियाणा की राजनीति के ऊपर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं, और आज उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो है हरियाणा की राजनीति जो है वो किस ओर करवट ले सकती है। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आपका भी। मेहरा साहब, अभी तक जो था नामांकन भरने की जो तारीख थी वो निकल गई, उसके बाद नाम वापस लेने की जो तिथि थी वो भी जो है निकल गई। कहने का मतलब ये कि अब फाइनल हो गया है कि कौन कौन से योद्धा मैदान में है। इस समय हरियाणा में 5 पार्टियां जो हैं वो मुकाबले में हैं मुख्य रूप से, जिसमें 3 जो है वो नेशनल पार्टी हैं, 2 क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार किस तरह के जो समीकरण है वो बन सकते हैं? देखिए राजेंद्र जी, इस बार का जो 15वीं विधानसभा का चुनाव हरियाणा में होने जा रहा है वो एक विशेष चुनाव उसको कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले 10 साल एक भारतीय जनता पार्टी जो शासन में रही है, और हम कह सकते हैं कि सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी सरकार ने हरियाणा में शासन किया है, और इससे पहले गैर कांग्रेसी सरकारें बनी लेकिन इतने लंबे समय तक किसी पार्टी ने राज नहीं किया जी। सिर्फ NLD को छोड़ के NLD ने 1999 से लेकर 2005 तक शासन किया, लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल तक राज किया, और ये चुनाव इसलिए भी विशेष है कि इस चुनाव में जनता ने, हरियाणा की जनता ये तय करेगी कि उनको मतलब गैर कांग्रेसी सरकार की विचारधारा पसंद है या कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पसंद होगी जी। बिल्कुल, तो ये चुनाव कांग्रेस पार्टी और गैर कांग्रेस पार्टी की सरकारों की विचारधारा को तय करने वाला चुनाव होगा जी। अच्छा, मतलब इसमें जनमत जो होगा वो चाहे मायने रखता है या नहीं रखता, लेकिन इस बार जो लोगों की राय है वो गैर कांग्रेसी और कांग्रेसी। और इसके साथ साथ इस चुनाव में ये भी तय होगा कि हरियाणा की भविष्य में हरियाणा की राजनीति जाति आधारित होगी या गैर जाति आधारित होगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस बार जो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की लोकसभा चुनाव में जातीय समीकरणों को साधने की, उन्होंने एक मुख्यमंत्री का चेहरा जो बदला वो अपने आप में कोशिश थी जातीय समीकरणों को साधने की, लेकिन वहां वो कामयाब नहीं हो पाई। देखिए सीधी बात है, जब अभी 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र आए थे, प्रधानमंत्री ने सीधा कहा था कि हरियाणा में हमने OBC CM दिया है, तो उनका सीधा मतलब था कि OBC कार्ड उन्होंने चुनाव में खेला है जी जी जी, और OBC वोटर्स को कहीं ना कहीं लामबंद करने के लिए ये जो अपना उन्होंने वक्तव्य भाषण में कहा था जी जी, ये सीधा उनका यही संदेश था कि OBC वोटर एक हो जाए जी, और हरियाणा में हमारी सरकार दोबारा से तीसरी बार बने। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने कोशिश की लेकिन वहां कामयाब नहीं हुए, अगर विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि जातीय समीकरण जो है वो आने वाले समय में फलीभूत हो सकते हैं। निश्चित रूप से अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनती है तो हरियाणा की राजनीति जाति आधारित राजनीति की ओर जाती हुई दिखाई देगी आपको, और अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि
जाति का मुद्दा यहाँ नहीं चला, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, गैर जो जातीय जो मुद्दे थे वो यहाँ वो कामयाब चले, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरा सब पिछले दिनों बहुत बगावत देखने के में मिली दोनों पार्टियों में। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो शायद पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े स्तर पर जो है वो बगावत देखने को मिली। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी जैसे ही अपनी लिस्टें जारी की तो बगावत का दौर शुरू हुआ, और उसके बाद जो सभी पार्टियों ने कोशिश की, जनरली ऐसा होता ही है, अपने अपने जो उम्मीदवार थे या अपने अपने जो भी लीडर उनके उनसे रूठ कर गए थे, बागी होकर गए थे, सबको मनाने की कोशिश की, और वो मनाने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए। तो उसका जो फायदा है किस पार्टी को हो सकता है और नुकसान किस पार्टी को हो सकता है बागियों के आने से, क्योंकि बागी आखिर बागी होता है। देखिए, जैसे आपने बताया कि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग द्वारा पूरी कर ली गई है, और इस प्रक्रिया के बाद कुल जो दोनों सभी पार्टियों के जो उम्मीदवार मैदान में रहे हैं वो 1031 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है अभी जी। और जैसा चुनाव आयोग के आंकड़ों से हमें पता चला है कि 1746 जो उम्मीदवार थे, चाहे इंडिपेंडेंट हों चाहे अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार हों, उन्होंने नामांकन फाइल किया था, उसमें से 1226 उम्मीदवारों के नाम सही पाए गए थे। उसके बाद कल तक 190 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया, और जो 1031 मैंने पहले बताया वो चुनाव मैदान में रह गए हैं जी जी। और कल दोनों पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी, जो अपने अपने जो उम्मीदवारों के खिलाफ जो बागी उम्मीदवार हुए नामांकन फाइल किया था, वो 28 उम्मीदवारों ने टोटल नाम वापिस उनके करवाए, उनको मनाया गया जी, है बिल्कुल दोनों पार्टी द्वारा, जिसमें 17 उम्मीदवारों के नाम जो कांग्रेस पार्टी ने वापिस करवाए हैं और 11 जो नामांकन फाइल किए थे भारतीय जनता पार्टी के बाकी उम्मीदवारों ने, उन्होंने अपने नाम भारतीय जनता पार्टी ने उनको वापिस करवाया, यानी 28 उम्मीदवारों को दोनों पार्टियों ने मनाया है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के अभी भी 23 जो बाकी उम्मीदवार वो मैदान में रह गए, जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं वो जी। और अभी भी कांग्रेस पार्टी के 17 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं जी। तो ऐसे में लगता है कि सबसे ज्यादा बागी उम्मीदवार अभी भी भारतीय जनता पार्टी में बने हुए जी। और इसका भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में मुझे लगता है खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। मेरा सब इस बार जो है समीकरण बड़े अलग तरह से नजर आए हरियाणा की राजनीति में। 5 पार्टियां जो है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस समय मैदान में है, जो अगर मैं मुख्य पार्टियों की बात करूं जिनमें से 3 जो है वो नेशनल पार्टीज हैं और 2 राज्य स्तरीय पार्टियां हैं। तो ऐसा है कि जैसे ही बागी भी हुए लोग, तो आम आदमी पार्टी भी इस बार इंडिपेंडेंट लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला जो है कई सीटों पर नजर आता है, और कई सीटों पर सीधी टक्कर नजर आती है, जहां पे आम आदमी पार्टी का या तीसरी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आता है, और 2 पार्टियों की सीधी टक्कर नजर आती है। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, और ऐसे कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जहां पे सीधी जो है टक्कर वो नजर आती है। देखिए, अभी तक जो नामांकन की जो प्रक्रिया पूरी हुई, उसके बाद जो चुनाव मैदान में जो उम्मीदवार डटे हैं जी, उन उम्मीदवारों के नाम देखने पर और उनके पार्टी जो उम्मीदवार हैं उनके एक मोटा मोटी शुरुआती दौर में देखने पर लगता है कि हरियाणा में इस बार का जो चुनाव है, उस चुनाव में 60 ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें डायरेक्ट फाइट होगी। अच्छा, और ये मान के चलोगे 60 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच, मतलब तीसरे दल वहां उपस्थिति भी हाजिर नहीं कर पाएंगे या उपस्थिति रहेगी उनकी। 60 ऐसे, मैंने बताया कि 60 ऐसे विधानसभा क्षेत्र होंगे जिसमें तीसरे दल की कोई ज्यादा भूमिका नहीं रहेगी, और 30 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें तिकोड़ा मुकाबला होगा जी। और जो 60 जो मैंने डायरेक्ट फाइट जिसमें होगी, दोनों बाई पोलर जिसमें इलेक्शन का हम कह सकते हैं वो होगा, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलने वाला है। ओके, और जो 30 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, 30 विधानसभा क्षेत्रों में इंडिपेंडेंट भी हैं, हो सकते हैं इसमें जो तिकोणा मुकाबला बनाए हुए हैं, INLD के कैंडिडेट भी हैं इसमें,
और दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट भी हो सकते हैं। उन 30 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें मिला जुला असर रहेगा, कोई भी बाजी मार सकता है। मेरा साहब एक बड़ा अहम सा सवाल है कि दो जो क्षेत्रीय पार्टी हैं कहीं ना कहीं उनका वजूद हरियाणा में अच्छा रहा है। अगर जजपा की बात करें, जजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ा अहम रोल किया, उनकी वजह से अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में पिछले 5 साल रही है, इनेलो ने भी इंडिपेंडेंटली अपनी एक बहुत बड़ा वजूद खड़ा किया है हरियाणा में, तो क्या रोल रह सकता है इस बार के चुनाव में उन दोनों पार्टियों का? दोनों पार्टियों के रोल के बारे में जैसे मैंने बताया कि 30 सीटों पर जो ट्रायंगल फाइट होगी, तिकोणीय मुकाबला होगा, उनमें उन दोनों पार्टियों का रोल रह सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने दूसरी पार्टियों से, जैसे राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसने INLD ने समझौता किया हुआ है, और जो जननायक जनता पार्टी ने आजाद समाज पार्टी से समझौता किया हुआ है, वो समझौता बहुत महत्व रखता है उनके जो जो इस चुनाव में, और क्या उनके परिणाम रहेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल समझौते के तहत उनको इन जो तिकोणीय मुकाबला होगा उनमें फायदा हो सकता है। तिकोणीय मुकाबले की अगर मैं बात करूं, हाँ, तो कहां कहां तिकोणीय मुकाबला हो सकता है? जी, अम्बाला छावनी की बात आपने, जगजाहिर है कि तिकोणीय मुकाबला है। बिल्कुल बिल्कुल। चित्रा सरवारा है, हाँ, इंडिपेंडेंट है, एक अच्छी उम्मीदवार है, और अनिल विज जी हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन तीनों का तिकोणीय मुकाबला बनता जा रहा है मुझे लगता है। इसी प्रकार से जगाधरी की बात करें, जगाधरी में भी तिकोणीय मुकाबला के आसार हैं, और डबवाली में तिकोणीय मुकाबला के आसार हो रहे हैं। हिसार में जब से सावित्री जिंदल चुनाव मैदान में उतरी है, तिकोणीय मुकाबला है, और महम में बादशाहपुर, बल्लभगढ़, नरवाना, कलायत, कई मतलब 30 ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ तिकोणीय मुकाबला के आसार बनते जा रहे हैं। इसी प्रकार से 60 की जैसे हमने बात की है, 60 में है उचाना डायरेक्ट फाइट हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। 60 की हमने जो जिसमें डायरेक्ट फाइट होगी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला होगा। झुलाना की आपने पता है, झुलाना में सीधा, हाँ, सीधा मुकाबला होगा। बिल्कुल ठीक है। और तोसाम में बादली है, लाडवा में भी सीधा, टोहाना है, पलवल है, लाडवा है, समालका है, सिरसा, रानिया, इलाहाबाद, ये मुझे लगता है डायरेक्ट फाइट इसमें बनी हुई है इनमें, और इन जो इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें ज्यादातर लाभ जो है कांग्रेस उम्मीदवार को मिलने जा रहा है। पर मुझे एक चीज इसमें नजर आ रही है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं आखिरी समय पे, अगर कहीं तिकोणीय मुकाबले की बात करते हैं, तिकोणीय मुकाबले में उनकी अहम भूमिका रहेगी, तो मुझे लगता है कि आखिरी जो मूवमेंट होता है जब सरकार बनाने की बात आती है, तो मुझे लगता है ये पार्टियां बड़ा अहम रोल अदा कर सकती हैं उस चीज में, और ये फायदा भी ले सकती हैं कहीं ना कहीं। जैसे पिछली बार जजपा ने फायदा लिया कि उनका जो दुष्यंत चौटाला जी थे उनको डिप्टी CM का पद जो था वो मिला, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो इन चीजों का बेनिफिट ले सकती हैं। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो मेन दो, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनमें से जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी, जो सरकार बनाने के नजदीक जो पार्टी होगी उस पार्टी की ओर वो क्षेत्रीय पार्टियों का रुझान रहेगा, इंडिपेंडेंट का भी उनका उनकी तरफ रुझान रहेगा, जो सरकार बनाने के नजदीक जिनका आंकड़ा होगा, नंबर होगा जिनके पास, उनकी तरफ ज्यादा रुझान रहेगा ये। और एक दो पार्टी है जैसे हलोपा की, गोपाल कांडा की हलोपा पार्टी, हाँ। उन्होंने, गोपाल कांडा ने पहले भी कहा था जी कि हम NDA के साथ होंगे, लेकिन कल उसने अपने बयान को बयान से यू टर्न ले लिया। वो किन कारणों से लिया है वो तो, हाँ, उनका बयान आया था कि मैंने कभी भी भाजपा से समर्थन नहीं मांगा है, उसके कुछ और अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं NDA के साथ जाने का उसका जो है इरादा है वो रहेगा। एक आखिरी सवाल कि इस बार जो चुनाव है उसमें जो आम आदमी पार्टी है वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी के अंदर की बात करें तो वहां भी बहुत हलचल चल रही है। केजरीवाल का जेल से बाहर आना, मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आना, ऐसे समय पे हरियाणा की राजनीति में किस पार्टी को डेंट डाल सकता है? वो हमने पहले भी चर्चा की थी, हाँ। और हरियाणा आज एक विश्लेषण के तौर पर मैंने ये सवाल फिर से दोबारा कर लिया, हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन, हाँ, इसके बाद जो
कन्वीनर हैं, जो आम आदमी पार्टी कन्वीनर, वो जेल से बाहर आ गए हैं और वो भी एक धुआंधार प्रचार के साथ हरियाणा में उतरेंगे। और आज जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें मुझे लगता है कि और स्पष्ट भी हो गया आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी भारद्वाज को और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल आज रिजाइन कर रहे हैं। तो आतिशी भारद्वाज के रिजाइन मुख्यमंत्री बनने के बाद तो एक जो उसको कह सकते हैं कि आम आदमी के पार्टी के पास एक बहुत एक जबरदस्त मुद्दा उनके उनको हाथ लगेगा और वो बुनाएंगे बिल्कुल महिला हाँ। महिला मुख्यमंत्री बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल और महिलाओं की ज्यादा मतलब एक ज्यादा जबरदस्त तरीके से महिलाओं की कल्याण की बात रखेंगे, महिलाओं के एम्पावरमेंट करने की बात रखेंगे, तो महिलाओं के ज्यादा वोट गिरने करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से चुनाव प्रचार में वो हरियाणा में भी इसका फायदा लेने की कोशिश करेंगे। और हरियाणा की हम बात करें तो मैंने जैसे पहले ही बताया था मेट्रोपोलिटन जो शहर कह सकते हैं जिसको जो दिल्ली के साथ लगते हुए फरीदाबाद है, गुड़गांव है, और उनमें क्योंकि दिल्ली का जो वोटर है वो 3 बार उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, फरीदाबाद और गुड़गांव में दिल्ली का भी असर असर है, उस असर का कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। और डेंट किस पार्टी को पड़ सकता है दोनों से? तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, जो जो शहरी वोटर पर दावा करती रही है भारतीय जनता पार्टी, और शहरी वोटर सबसे ज्यादा भारतीय आम आदमी पार्टी के साथ, शहरी वोटर सबसे ज्यादा हरियाणा में गुड़गांव में और फरीदाबाद में, गुड़गांव में फरीदाबाद में अगर शहरी वोटर आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा तो सीधी सी बात है डेंट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा। सो दोस्तों, आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति जो है वो किस करबट बैठती है, विधानसभा चुनाव किसके सर पे ताज सजाते हैं सीएम का, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आने वाली 8 अक्टूबर को ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन तब तक आप देखते रहिए इसी तरह से हमारी चुनावी चर्चा और बने रहिए अर्थ प्रकाश टीवी के साथ। मेहरा साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू।